अस्सलाम वालेकुम संगत के आलम ठीक हो तकड़ो तो वैसे ठीक है खैर हो वैसे बजन जो झोंका बाद होने के फिर हो थे खैर हो मैं तो अपना मेज़बान अब्दुल रशीद तुसाने दे बस सारा फिराओ आज दा मच समंदर तो वैसे ठीक है ऐसा आया है मेरे ना पीछे मेरे दे दे पास तो पानी सारा के सब मछलियां पकड़ने आए थे मछलियां नहीं मिली यहां से हम के लोग मार के चले गए ने आदमी आए ने फाड़ फाड़ के पकड़ पकड़ के बढ़िया बढ़िया मछलियाँ पकड़ी ने तो मेरे पास सामान नहीं था मछली पकड़ने का तो मैं ऐसे बस घूम घूम के जा रहा हूँ साड़ी वीडियो चंगी लगे तो कमेंट लाइक जरूर करे सो मैं मच्छी अपने हाथ से पकड़ी खड़ा है छोटी जी देख लो ये है छोटी जी ये इसने बहुत ऐसे पकड़ पकड़ पानी में खड़ी थी मैं इसको पकड़ लिया ये मछली देख रहे हो मैं हाथ पे उठा के रखी है वीडियो मेरी एंड तक दिखी करो ताकि मैं को सपोर्ट कल को मैं तुम्हारी कमेंट जरूर किया करो ताकि साड़ी वीडियो की मिलती है ताकि मैं तो को हर वीडियो देते हैं सपोर्ट दे सका ये सामने मेरी खड़ी है गाड़ी मोटरसाइकिल टाइप मेरा ये मेरा अपना बैग है इधर तो मैं सफ़र करना इधर जाना होता है मैं इस बैग पे जाता हूँ कि आज ऐसा मछलियाँ पकड़ने आए थे यहाँ पे लेकिन मछलियाँ बहुत कम थी मेरे पीछे जंगल देख रहे होंगे तो हम लोग ये जंगल है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं बहुत मेहनत करके आए हैं लेकिन मछलियाँ नहीं पकड़ी गई हमसे ताकि तुम देख सकते हो पानी भी बहुत है यहाँ पे और जहाँ तक कैमरा जा रहा है तुमको पानी दिखाई दे रहा होगा हमसे मछलियाँ नहीं पकड़ेगी मैं अभी एक आदमी खड़ा है उसके पास जाता हूँ कि उनको बोलता हूँ कि मछलियाँ तुम कैसे देता है मैं 2 किलो 3 किलो घर के लिए तो लाजमी मछली खरीदनी पड़ेगी लाजमी जाते हैं अगले पास है अगले वाले चौक पे उधर से मच्छी खरीदते हैं मच्छी खरीद के घर चले जाएंगे अल्लाह हाफिज़ दुआ मांग सो जब पैर हुए उतने खैर हुए तो आपने मेज़बान अब्दुल रशीद फिलहाल तक देखो साथ को इजाज़त मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।